तो दोस्तों हम सब हमारे फोन्स पे कमाल की फोटोज लेते, कमाल के वीडियोस लेते और उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। पर यहाँ पर अभी बात आती है कि एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में उसी डेटा को शेयर करने की। तो आप शायद अगर एक एंड्रॉइड फोन यूज करते तो ब्लूटूथ या शेयर इट का यूज करते होंगे। हाँ मुझे पता है व्हाट्सएप का भी यूज करते हैं, पर मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास एक नेट कनेक्शन नहीं होगा या फिर जिसको आपको शेयर करना है उसके पास नेट का कनेक्शन नहीं होगा, तभी तो आप ब्लूटूथ का ही यूज करोगे। पर यहाँ पर अभी डिफरेंस ये आ जाता है कि एप्पल के डिवाइसेस में एयरड्रॉप का यूज होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और आप में से बहुत लोग मुझे ये पूछेंगे कि ये एयरड्रॉप और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस रहता है, और बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि ये एप्पल की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्लूटूथ और एयरड्रॉप में बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट यहां पर ब्लूटूथ का यूज करके एयरड्रॉप का फीचर काम करता है। अब यहां पर एयरड्रॉप की खासियत ये है कि आप उसे कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट, फोटो या वीडियो कोई भी दूसरे एप्पल डिवाइस में एक एप्पल डिवाइस से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सीमलेस तरीके से शेयर कर सकते हो, और ये जो प्रोसेस रहता है बहुत ही ज्यादा क्विक रहता है बिकॉज यहां पर कोई भी आपको डिलेस नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एयरड्रॉप की एक और एक खास बात है कि अगर आप इससे कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करते हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्वालिटी ड्रॉप नहीं देखने मिलता है। और यहाँ पर अभी इसकी एक और एक खास बात है कि आपको हर एक एप्पल डिवाइस में मिल जाता है, जैसे कि आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, आईमैक हो गया, मैकबुक हो गया। तो अभी इसका फायदा यह है कि समझो मैंने अपने आईफोन पे कोई वीडियो शूट की है और अभी समझो मुझे इसे एडिट करना है मेरे आईमैक पे, तो मैं बड़ी सीमलेस और स्मूथ तरीके से उसे एयरड्रॉप के थ्रू अपने आईमैक पे शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद वहां पर समझो मुझे फाइनल कट से एडिट करना है तो मैं वहां पर इजीली कर सकता। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो फाइनल कट का नाम है सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था। नॉर्मली मेरी जो वीडियोस है मैं उसे iMovies पे एडिट करता हूं जो कि एप्पल का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक फुल ट्यूटोरियल बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करता हूं, तो आपको भी शायद हेल्प हो जाएगी अगर आप एक एप्पल डिवाइस यूज करते हो। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि एयरड्रॉप क्या होता है, पर अभी यहां पर बात आती है कि उसे यूज कैसे करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि आप एयरड्रॉप का फीचर कैसे यूज कर सकते हो एक एप्पल डिवाइस से दूसरे एप्पल डिवाइस में आपके डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को अच्छा लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं हूं ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने दो आईफोन्स ले लिए। यहाँ पर आपको बता दो यहाँ पर ये जो एयरड्रॉप का फीचर है यूज़ करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है नीचे कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर जाके आपको एयरड्रॉप का जो फीचर है उसे ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी वन पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर भी आपको सेम कर देना है। और अभी हम हमारी गैलरी में जाके कोई फोटो या वीडियो को ट्रांसफ़र करने का ट्राई करेंगे। आप कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं हमारे अनबॉक्स एनर्जी चैनल का लोगो है उसे ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये हमारे चैनल का नया लोगो है, और आप सब अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही रहेगा कि मैं अपने चैनल की ब्रांडिंग और उसकी क्वालिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो YouTube चैनल है वो सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक ब्रांड जैसा सेटअप हो। तो यहाँ पर आपको ये जो शेयर का आइकन दिख रहा है आपको बस इसे सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके आजू बाजू कौन से डिवाइसेस में एयरड्रॉप एनेबल्ड है, और उनमें से आप एक सिलेक्ट करके यहाँ पर इस फोटो को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख के आ गया ऋषभ ग्रोवर वुड लाइक टू शेयर अ फोटो। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट को क्लिक कर देता हूँ और आप देखेंगे कि एक सेकंड के अंदर अंदर ही वो जो फोटो है वो ट्रांसफ़र हो गई, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्वालिटी ड्रॉप नहीं देखने मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर ये जो फोटो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास एक आईपैड है, मैकबुक है, आईमैक है, तो आप उसमें भी इजीली एयरड्रॉप ऑन करके ये डेटा शेयर कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, और आप सबने तो देख लिया रहेगा कि एक एप्पल डिवाइस से आप दूसरे एप्पल डिवाइस में एयरड्रॉप के थ्रू कितनी इजीली वो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही, मैं ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी।